हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर न केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था बीटा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और साथ के साथ हमने डिस्कस किया था गामा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो अगर आप आज का टॉपिक समझना चाहते हैं तो ये दो वीडियो जो हैं आपको देखे होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन दो वीडियोस के जो रिजल्ट्स हैं वो आज के टॉपिक में डायरेक्ट यूज किए जाएंगे। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, जो बीटा फंक्शन होता है और जो गामा फंक्शन होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और उन दोनों में कुछ इस प्रकार का रिलेशन होता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम मल्टीप्लाई गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। तो इसी रिलेशन को हमें प्रूव करना है, तो टू प्रूव में आप ये लिखेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। इसकी प्रूफ की शुरुआत होगी डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन से, जो हमें क्या कहती है, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वी हैव, हमें पता है गामा फंक्शन को हम एक डेफिनेट इंटीग्रल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डीएक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और पिछली वीडियो में हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी गामा फंक्शन की, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है। देखिए ध्यान से इस चीज को, ये रिजल्ट आपको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी रिजल्ट पे आज की जो डेरिवेशन है वो टिकी हुई है। अगर हम x को किसी वेरिएबल z से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज हम z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर x का कॉफिशियंट अब z हो गया है, तो इस केस में हमें गामा n को डिवाइड करना होता है किससे, z की पावर n से। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन, जो हमने पिछले ही वीडियो में प्रूफ की थी, और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ध्यान से देखिए, यहां पर आप देखिए, यहां पर x की पावर में n है, जो यहां पर लिखा होगा x की पावर में n, वही यहां पर गामा n के साथ आएगा, वही नंबर यहां पर आएगा, और वही z की पावर में आएगा n, और जो x का कॉफिशियंट होगा जो कि यहां पर z है वो डिनोमिनेटर में आएगा। इस चीज को आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, z की पावर n को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा गामा n इज इक्वल टू z की पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स x की पावर n माइनस वन dx। z की पावर n को हम अंदर ले जा सकते हैं, तो हमें मिलेगा गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n e की पावर माइनस जेड एक्स की पावर n माइनस वन dx। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे के जो स्टेप्स होंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे, इससे अगला स्टेप आपका क्या रहेगा, आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा बाय दिस टर्म, जो कि है e की पावर माइनस जेड जेड की पावर m माइनस वन। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय e की पावर माइनस जेड जेड रेज टू पावर m माइनस वन वी गेट। तो दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई में ये लिखना होगा, गामा n है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ, जो कि है e की पावर माइनस जेड, और साथ में है जेड की पावर m माइनस वन इक्वल टू में इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और ये टर्म जो है आपको इसे मल्टीप्लाई करनी होगी। तो पहले आप ये लिखेंगे e की पावर माइनस जेड, साथ में आ जाएगा जेड एम माइनस वन, फिर ये आपके तीन टर्म्स आ जाएंगी, एक दो तीन, जो कि है जेड की पावर एन, साथ में है e की पावर माइनस जेड एक्स, और साथ में है एक्स की पावर एन माइनस वन, और साथ में है आपके पास डी एक्स। अब आप यहाँ पर टर्म्स कंबाइन करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, e की पावर वाली टर्म्स देखेंगे, यहाँ पर है e की पावर माइनस जेड और यहाँ पर है e की पावर माइनस जेड एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर माइनस जेड एक्स, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आप जेड वाली पावर ऐड करेंगे, यहाँ पर है जेड की पावर एम माइनस वन, ये है जेड की पावर एन, तो ये बन जाएगा जेड एम माइनस वन प्लस एन,
और साथ में एक्सी पावर एन माइनस वन ऐसी रहेगा, साथ में डीएक्स ऐसी रहेगा। एक काम आप और इसी स्टेप में कर सकते हैं, यहाँ से माइनस जेड जो है वो कॉमन ले सकते हैं। माइनस जेड कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा अंदर, आपके पास रह जाएगा वन प्लस एक्स रह जाएगा अंदर, और साथ में जेड आपने कॉमन ले लिया माइनस जेड। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, एम प्लस एन माइनस वन लिख दीजिए, पहले आप एम लिखिए फिर एन फिर माइनस वन, हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज क्वाइट ऑब्वियस। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा जेड के रिस्पेक्ट में, और लिमिट्स आपको लेनी होंगी जीरो टू इन्फिनिटी। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू जेड बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू इन्फिनिटी वी गेट। आपको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। गामा एन जो है वो कांस्टेंट है, उसे आप इंटीग्रेशन के बाहर ही रख लीजिए, यहाँ पर आप लगा दीजिए इंटीग्रेशन का साइन, और लिमिट्स आपको लेनी है जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपको लेना है इसी बार माइनस जेड, जेड एम माइनस वन, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डी जेड लिखेंगे। यहाँ पर एक इंटीग्रेशन ऑलरेडी है, एक इंटीग्रेशन और आ जाएगा जिसकी लिमिट्स होंगी जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन हो गया, बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा। जेड साथ में जेड की पावर एम प्लस एन माइनस वन, साथ में एक्स की पावर एन माइनस वन, डी एक्स पहले से ही है, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो यहाँ पर डी जेड भी आपको लिखना होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, इससे अगला स्टेप देखिए क्या होगा, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपने सेम टू सेम उतार देनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन है, एक बार आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसमें हम थोड़ा आगे पीछे करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डबल इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं जीरो टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी, ये लिमिट सेम है, तो अगर हम इसको आगे पीछे करके लिखेंगे तो इस डबल इंटीग्रल की जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जीरो टू इन्फिनिटी लिख दिया, एक्स की पावर एन माइनस वन हम आगे लिख देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर लिख देते हैं डी एक्स, और ये जो दूसरा इंटीग्रेशन है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इसके साथ हम लिख देते हैं ई की पावर माइनस वन प्लस एक्स, साथ में जेड, और यहाँ पर है आपके पास जेड एम प्लस एन माइनस वन, और साथ में यहाँ पर आपको डी जेड लिख दिया। हम ऐसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप देखिए गामा एन तो हमने एज इट इज लिख दिया, ये क्या बन गया, ध्यान से देखो इसको, ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, e की पावर माइनस जेड, जेड एम माइनस वन, डी जेड, और लिमिट्स है यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये बन जाएगा आपके पास गामा, यहाँ पर m माइनस वन है तो ये बन जाएगा m माइनस वन में एक ऐड करके गामा m बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन, डी एक्स एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन का सहारा लेंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखी थी। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या कह रही थी, अगर इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी है, e की पावर माइनस जेड एक्स है, x की पावर n माइनस वन डी एक्स है, तो इसके इक्वल होता है गामा एन बाय जेड की पावर एन, जो यहाँ पर एन लिखा हुआ है तो यहाँ पर गामा एन आएगा, और यहाँ पर एक्स का जो कॉफिशियंट होगा जेड उसकी पावर में यहाँ पर एन आएगा। तो इसको यूज करते हुए, इस फर्स्ट इक्वेशन को, इस गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसको कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर पहले आप गामा लिखिए, यहाँ पर जेड की पावर में क्या लिखा हुआ है, एम प्लस एन लिखा हुआ है, एम प्लस एन, तो यहां पर आ जाएगा गामा एम प्लस एन। और नीचे ध्यान से देखिए, यहां पर जेड का कॉफिशियंट क्या है, वो है वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स, जेड का कॉफिशियंट है वन प्लस एक्स, तो यहां पर आ जाएगा वन प्लस एक्स, और इस वन प्लस एक्स की पावर में वही आएगा जो हमने यहां पर लिखा है, दैट इज एम प्लस एन। तो इस इंटीग्रल को, इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम गामा फंक्शन की फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखी थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आप क्या करेंगे, इस गामा एम प्लस एन को डिनोमिनेटर में ले आएंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के, तो ये हो जाएगा आपके पास गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। तो स्टूडेंट्स जब हमने बीटा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक स्टडी किया था तो वहां पर हमने अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन को भी लिखा था। तो ये क्या है, ये वही तो है अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीटा एन एम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो
एन आ रहा है तो पहले एन एम आएगा, अगर यहाँ पर एम आता तो उसे हम बीटा एम एन लिखते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा तो देखा हुआ तो आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास बीटा, एन है यहाँ पर तो एन आएगा पहले, अगर यहाँ पर एम होता तो उसको हम एम एन लिखते। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन में पढ़ा था कि बीटा फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक होता है, अगर हम एन और एम को आपस में इंटरचेंज भी कर दें तो हमें रिजल्ट सेम मिलता है। तो बीटा एन एम को हम बीटा एम एन भी लिख सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा गामा एम पहले लिख दो, क्योंकि जो प्रूफ कर रहे हैं हमें उसमें गामा एम पहले था, नीचे है गामा एम प्लस एन। इससे अगला स्टेप आइए, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास बीटा एम एन, क्योंकि बीटा एम एम जो है वो बीटा एम एन के बराबर ही होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। तो यही हमने रिलेशन प्रूव करना था, यही आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम इसी रिजल्ट को यूज करते हुए गामा फंक्शन से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।